फिर विकी, मैं जो मेन काम के लिए आया वो बात करेगी। हाँ। मैं हमने नाला सोपारा में रहती है। हाँ। तो उधर का लड़की लोग दे लाइक यू। ओके। हाँ, तो मैं शादी का प्रस्ताव लेके आई है। हाँ। उधर का लड़की लोग बहुत मेरा सहेली लोग है। कौन तेरी सहेली है? हाँ, मेरी सहेली है, बहुत मतलब गरीब है बेचारी, और मतलब ऐसा अकेलापन उसको बहुत काटता है। हाँ, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत है। वो चलती साइकिल में ना चेन बदल लेती है सर। तो इसमें क्या टैलेंट है? हाँ तो समझाओ ना फिर अर्चना जी को, वो बोलती है टैलेंट है ये। ऐसा कैसा टैलेंट रहता है? एक लड़की तो और भी टैलेंटेड है, एटीएम में आप ऐसा कार्ड डाल के पैसा निकलते ना। हाँ। वो ऐसा जीप डाल के ऐसा पैसा निकाल लेती मैं। क्या फालतू की बातें कर रही है? कोई ढंग की लड़की नहीं है तेरे पास? ढंग की है ना, नाला सुपारा में सिर्फ एक ही ढंग की लड़की है। नहीं मैं सच्ची बोलती हूँ, मतलब अगर आप मेरे से शादी कर लोगे तो मैं आपको बीवी के साथ साथ साले का भी प्यार दे सकती हूँ। सपना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देख कप्पू, मैंने तो सिर्फ ऑफर दिया है, बाकी इनकी मन मर्जियां हैं। मैं तो शादी के लिए राजी हूँ। पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगी। ना मत बोलना। मेरी तरफ से हाँ है। वरना मेरे को लगा था वरना ये बहुत पछताएंगे, लेकिन ये पछताएंगे नहीं, हाँ बोल दिए कप्पू मेरे को। मेरे को बहुत खुशी है। वैसे अभी आपने हाँ बोल दिया है। हाँ। तो आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? लगने देना यार, एक बार तो लगने दे। मतलब 100 एपिसोड अगर और कितना रीजन देगी मैं। अच्छा, पाएंगे ना उधर आई हैव पार्लर, ये मेरा पार्लर है। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। क्या बात है? इनका गाना आया था बड़ा पछताओगे। हाँ। तो हमारे पास बड़ा पछताओगे मसाज है। वो क्या होता है? जाने दो, बड़ा पछताओगे। फिर एक मसाज है हम लोग के पास, भूत मसाज। अच्छा अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर उसकी आंख पे पट्टी बांधते हैं, फिर कस्टमर को हवेली की तरफ लेके जाते हैं। कस्टमर जा रहा है, इतने में हवेली का दरवाजा खुलता है, फिर मैं उसमें तेल डाल देती हूँ, वो एकदम फ्री हो जाते हैं। आवाज में थोड़ी देर में हम हवेली के अंदर देखते हैं, एक चील जो है वो उड़ के जा रही है। ओए, चील कहाँ मैं करती है? चील के मुंह में बकरी है ना, वो आवाज कर रही है। इतने में बकरी ऊपर से गिरती है जमीन के ऊपर। जब बकरी कब भौं भौं करती, मतलब बकरी कुत्ते पे गिरी है ना, तो कुत्ता तो चिल्लाएगा ना। इतने में पीछे से एक चूहा जा रहा रहता है। वो कुछ नहीं बोलता, वो साइलेंट है, उसने चील को देखा है। फिर थोड़ी देर में पर्दा खुलता है और एक चुड़ैल पायल पहन के वहां से पास में आती। लेकिन मसाज कहाँ हुई इसमें? कुत्ते की हुई ना। जो बकरी कुत्ते पे गिरती है उसका मसाज ही तो था। कैसे रे? खैर मेरे जाने का, मैं चलती है अभी। आपकी पिक्चर की हीरोइनी का क्या नाम है? भूमि पेडनेकर। हाँ, वो पिछली बार आए थे ना, तो उनका पेन रह गया था। हाँ। तो मैं भूमि को पेन देकर आती हूँ। पेन देकर आई। ओके बाय।
विक्की भाई, जैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, हाँ जी, तो आपने सवाल नहीं पूछा कि यार बाकी को तो लेके जाके स्विट्जरलैंड वो सब रोमांस करवाते हो, मेरे को जुहू पे जहाज खड़ा करके भूतों से डरवा रहे हो? आपने कहा नहीं कि कुछ तो होना चाहिए धर्मा की तरफ से, वो धर्मा का जो ट्रेडमार्क है, एक आध हीरोइन कुछ रोमांस, ऐसे बोला नहीं आपने? नहीं, मैंने कहा, फिर उन्होंने इसका सारा जवाब मुझे तख्त में दे दिया। ये अब सब मुझे तख्त में करने को मिल रहा है कि अभी आप भूत में पहले खुद डर जाइए, फिर तख्त में औरंगजेब बन के लोगों को डराना। बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग ना दुबई गए, तो पहले होटल में जो ठहरे थे वो अच्छा था, दूसरे होटल में शिफ्ट हुआ ना, मेरे को बड़े डरावने सपने आए। हाँ, ऊपर से मैं किसे बोल रहा हूँ, मैं कह यार यहाँ पे वो मेरे को और डराई जाए, कहता सर कभी कभी होता है होटल बनते हैं ना, मेरे को और डराया उसने जो वहाँ का लोकल आदमी था। तो अभी आपको ऐसे सपने आते हैं डरावने वाले? नहीं, मुझे आते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि जहाँ हम जाएंगे, स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं शूट के लिए, हाँ, तो किस होटल में ठहर रहे हैं, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ यार किस होटल में ठहर रहे हैं बता दो, क्योंकि बाकी कोई होटल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस होटल में वो नहीं होता कि पुराने किले महल को होटल बना दिया है, हाँ, उनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे वहां कदम रखते ऐसा लगता है कि कोई हिस्ट्री थी यहाँ पे, वो सजावटी तौर पे ना राजा महाराजों की तस्वीरें लगा देते हैं, आप बिस्तर पे रहते हैं, वो आप ही को घूर रहे होते हैं, आप सो रहे हो राजा आपको देख रहा है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ हुआ भी है, पटियाला में हम थे और राजी के वक्त हम ठहर रहे थे एक होटल में, वहां ऐसे ही कमरा था कि राजा महाराजों की तस्वीर थी, छत 25 फीट ऊपर था, लंबे डंडे से लटका हुआ पंखा था जो खचें 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 चल रहा है, और फिर जब बाथरूम में जाओ तो बाथरूम भी लंबा चौड़ा की दरवाजा भी दूर है, वो कोजी सा बाथरूम नहीं है। नहीं। अब रात को आधी रात को अब मैं बाथरूम गया हूँ, फोन बाहर है कमरे में, अब मैं बाथरूम गया हूँ, बाथरूम में भी तस्वीर लगाई है दो सामने। तो मैं खैर अब बाथरूम में बैठा हूँ, अब बाथरूम एक जगह है जहाँ आप जल्दबाजी नहीं करते हो कोई, है ना, वहां सब काम ग्रेविटी से होता है, प्रेशर से नहीं होता। तो अब वहां में रात को चली गई बत्ती, अच्छा अब मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, और मैं भयंकर डर लग रहा है मुझे, क्योंकि अब जब लाइट जब जाती है तो पहले आप चेक करते हो कि यार सबकी गई है कि अपनी गई है, तो मेरा पहला थॉट ये चल रहा है कि नहीं मेरे ही कमरे में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये क्या हो गया, फोन भी बाहर है, टॉर्च नहीं है, क्या करूं, उठ के जा भी नहीं उठ के जा भी नहीं सकता। पर वो डर इतना लगा कि वो काम बहुत जल्दी हो गया। तो मैं कहा जैसे तैसे मैं बाहर गया, चिटनी खोल के बाहर गया, मैंने जगाया रिसेप्शनिस्ट को कि मैंने कहा यार ये लाइट चली गई, कहते और वो सो रहे थे, वो सबकी गई हुई है, इन्वर्टर ऑन करा देते हैं। फोन ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आप जाइए कोई टेंशन नहीं लीजिए, लाइट ऑन हो गई जी, इन्वर्टर ऑन हो गया। मैं फिर चला गया बाथरूम में, अब मैं बाथरूम में चला गया, मैंने कहा चल अब तो आ गई बत्ती, अब मैं फिर बैठा, फिर लाइट चली गई। मैंने कहा अब तो पक्का मेरे ही कमरे का हुआ, अब तो इसने बदला निकाला कि मैंने इसको उठा दिया था नींद में, अब फिर फोन बाहर रह गया। मैंने कहा यार ये रात भर मैं यही करता हूँ। फिर मैंने कहा यार जिसको आना आ जाओ यार, यहाँ पे तो भूत भी नहीं चाहेगा कि यहाँ आके डिस्टर्ब करे। तो बड़ा डर जाता हूँ मैं होटल के कमरों से, बड़ा डरता हूँ। राजा चाहे अपनी रानी को फोटो में दिख क्या रहा, हमारे सामने बड़बड़ के निकल जाती है।